नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो यंग जनरेशन के सुपरस्टार्स के बारे में, जिन्होंने इस साल बड़े बड़े खान्स को और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल की दो हाईएस्ट ग्रोसर फिल्में हैं वो दोनों यंग एक्टर्स के नाम है, और उन दोनों ही यंग एक्टर्स के हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों ही यंग एक्टर्स की फिल्मों ने कितने करोड़ की कमाई की है और कौन रहा है सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रणवीर सिंह के बारे में, जिन्होंने इस साल दो फिल्में दी है। एक फिल्म रही है पद्मावत, जिसे काफ़ी पसंद किया गया और इस फिल्म ने 302 करोड़ रुपए की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, और इस साल की हाईएस्ट ग्रोसर हिंदी फिल्म रही है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिल्म सिम्बा के बारे में। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज़ हुई है 28 तारीख को, और 28 तारीख को रिलीज़ होने के बाद दोस्तों ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं सिम्बा का कलेक्शन और संजू का कलेक्शन कि इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म रही है आगे अपने 5 दिनों में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिम्बा के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में आपको नजर आया है रणवीर सिंह, सारा अली खान, सोनू सूद, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 80 करोड़ रुपए का, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कमाए थे 20 करोड़ 72 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन थे वो रहे थे तकरीबन 23 करोड़ 33 लाख रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और इस फिल्म ने कमाए 31 करोड़ 6 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन और भी अच्छे रहे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से ज़्यादा अच्छे रहे इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शंस, और इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़ 24 लाख रुपए। दोस्तों इस फिल्म को पाँचवें दिन के कलेक्शन और भी अच्छे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी के दिन इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और यह फिल्म तकरीबन 30 से 31 करोड़ रुपये की कमाई करती नज़र आ रही है। इसी के साथ इस फिल्म का 5 दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका है 127 करोड़ रुपये। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया है और ऑडियंस इस फिल्म को काफ़ी देखने जा रही है। दोस्तों इस फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि इस फिल्म में लोगों को अजय देवगन और अक्षय कुमार के कैमियो भी देखने को मिलेंगे, तो उनके फैंस भी इस फिल्म का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और दोस्तों इस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है 127 करोड़ रुपये और टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अपने एक हफ्ते में ही टॉप 4 की लिस्ट में शामिल हो जाएगी और इससे आगे रहेगी बस संजू, पद्मावत और 2.0। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग फिल्म संजू के बारे में, जो कि इस साल की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है। और दोस्तों इस फिल्म में आपको नजर आए हैं सुपरस्टार रणबीर कपूर, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और परेश रावल। दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का बजट। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 80 करोड़ रुपए का और इस फिल्म के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी। दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म आई थी 29 जून को और इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे नॉन हॉलीडे में 34 करोड़ 75 लाख रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छी कमाई है। दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 38 करोड़ 60 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन रहा 46 करोड़ 71 लाख रुपए, जो कि एक सिंगल डे के दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दूसरा हाईएस्ट कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा कलेक्शन मात्र ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का है, जिसने अपने पहले दिन कमाए थे 50 करोड़। दोस्तों बात कर ले इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन रहा है 25 करोड़ 35 लाख रुपये। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन दोनों ही फिल्मों का 4 दिनों के लिए, तो दोस्तों यहां पर संजू अपने 4 दिनों में ही विनर है। जी हां दोस्तों, ये फिल्म अपने शुरुआती 4 दिनों की विनर रही है, जहां पहले दिन इस फिल्म ने कमाया है 34 करोड़, दूसरे दिन 38 करोड़, वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाया था 46 करोड़ और चौथे दिन कमाया 25 करोड़। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5वें दिन की विनर हो रही है सिम्बा, जिसका कलेक्शन रहने वाला है तकरीबन 30 करोड़ रुपये और संजू का कलेक्शन रहा था 22 करोड़ रुपये। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अभी संजू विनर है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि संजू संजय दत्त, जो कि एक बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, उनकी बायोपिक मूवी है, तो इसलिए इस फिल्म का काफ़ी सपोर्ट हुआ और इस फिल्म ने काफ़ी अच्छे कलेक्शन किया। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा है 588 करोड़ रुपए और यह फिल्म इस साल की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में हिंदी में दूसरे नंबर पर रही है। इससे पहले नंबर पर है पद्मावत।
दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का ऑल इंडिया से नेट लाइफ टाइम कलेक्शन रहा है 342 करोड़ रुपए, जो कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है। इससे आगे है सिर्फ आमिर खान की फिल्म दंगल। अब बात कर ले दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर अभी 4 दिनों की विनर रही है संजू, वही 5वें दिन की विनर रहती है सिम्बा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लाइफ टाइम कलेक्शन में सिम्बा संजू को पीछे कर पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।